नमस्कार दोस्तों, एक बार आज फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल टॉट टेक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको खास तो ये वीडियो मैं आपको जो हमारे गाड़ी का गियर का जो कवर होता है, गियर लीवर का जो कवर होता है, उसको चेंज करना बताऊंगा। तो ये मैंने मंगाया है गियर का कवर, और ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आज के इस वीडियो में मैं आपको कवर करके बताऊँगा कि क्या चीज़ है। तो ये एक चीज़ की सरप्राइज़ ही है, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले हम सरप्राइज वाली चीज़ खोलते हैं। ये है हमारा एक डैशबोर्ड के लिए टॉय, जो इस प्रकार से है। खुल गया दोस्तों, ये हमारा डैशबोर्ड के लिए टॉय। तो दोस्तों, ये डैशबोर्ड के लिए टॉय मंगाया है मैंने, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक है। ये सोलर पैनल से चलता है, मतलब सोलर से चार्ज होके ये जब हमारी गाड़ी के आगे डैशबोर्ड पर रखेंगे तो चार्ज होगा, और जब ये चार्ज होगा तो ये इस प्रकार से हिलेगा। आप देख सकते हो ये इस प्रकार से हिलेगा, तो है ना बेहतरीन। आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसके लिंक से जाके ख़रीद सकते हैं। ये इस तरीके से घूमेगा। और दूसरा मैंने मंगाया है हम गाड़ी के लिए दोस्तों, एक फ्लिपकार्ट से है, दो अमेज़न से मंगाए हैं। इनकी कॉस्टिंग मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कितने कितने का है। दोस्तों, यह है क्वालकॉम का चार्जर, क्विक चार्जर है 3.0, 18 वाट सपोर्ट करता है दोस्तों, और ये बहुत ही बेहतरीन चार्जर है। मैंने यूज़ करके देख चुका हूँ पहले भी, एक मेरे दूसरी गाड़ी पर पहले था। अब इसका यह है, आपको मैं बता देता हूँ, इसके ऊपर MRP तो लिखी है 1599 रुपये, और इलाव टेक्नोलॉजी इसके तरफ से है ये। और ये मैं बताता हूँ वीडियो के एंड में बताऊँगा कि ये मेरे को कितने में पड़ा। ये फास्ट चार्जिंग है दोस्तों, 18 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करता है ये, और फिर उसके बाद आपके गाड़ी की बैटरी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना चार्जिंग सपोर्ट करेगा। देखो बिल्डअप क्वालिटी बहुत ही प्यारी लग रही है इसकी, इस प्रकार से है। एक तो इसमें आईफोन का चार्जर का पैनल दिया है, और दूसरा हमारा एंड्रॉयड के चार्जर का पैनल, तो बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। अब इसको यूज़ करेंगे फिर और ध्यान पड़ेगा। अब लास्ट नेदर लीस्ट दिखाते हैं आपको। ये हमारा इस प्रकार की कवरिंग के साथ आया दोस्तों, बिल्कुल छोटा सा। ये सेंट्रो जिंक का है, क्वालिटी ठीक ठाक है, इतनी भी खास नहीं है, आप देख सकते हो। यह है हमारा गियर के लीवर का कवर, नीचे से आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे स्टेपलर से पिन किया हुआ है इसको, मतलब सिलाई नहीं है। और साथ में आप इसकी जो थ्रेड देख सकते हो, ये आपको नज़र आएगी इनकी सिलाई की, कवर की। तो ठीक है, अब मैं आपको इसको लगा के दिखाऊंगा कि कैसे लगाते हैं गाड़ी में, तो आप बने रहिए वीडियो में, एंड तक देखिएगा। और मैं आपको इनकी प्राइस बताऊंगा कि क्या प्राइस में पड़ी है मेरे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन बटन को भी दबाइए, जिससे कि ऐसी और भी वीडियोज़ आपके पास मैं लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी हम चलेंगे कार में। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं हमारी गाड़ी में, मैंने ये इंस्टॉल कर दिया। देखो दोस्तों, ऐसे हिलता है ये, कंटिन्यूस हिलता रहेगा, चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग हिलता रहेगा, तो बिल्कुल प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हो। बिल्कुल मैंने सेंटर में लगाया है इसको दोस्तों, मैंने ये नया इंस्टॉल किया है। इसका भी मैं आपको वीडियो बताऊँगा, इसकी वायरिंग की पूरी। और अब दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे इसमें लीवर के कवर पे। ये रहा कवर, और ये रहा हमारा पूरा कवर, देख सकते हो पुराना कितना डैमेज हो चुका है, यहाँ से फट चुका है, सिर्फ भी फट चुका है। अब दोस्तों, मुद्दे की बात करते हैं। इसको खोलने के लिए दोस्तों, एक तो ये स्क्रू,
और एक यहाँ पे एक स्क्रू, और उसी प्रकार से एक यहाँ पे ये स्क्रू आप देख सकते हो। ये तीनों स्क्रू को हमको खोलना पड़ेगा इस सेंटर कंसोल को बाहर निकालने की, क्योंकि हमको सेंटर कंसोल निकालना ही पड़ेगा ऐसे। इधर वाइज दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इस तरफ है, ऐसे बेंड करोगे तो यहाँ पर इसके नीचे स्क्रूज होते हैं। इसके साथ कोई स्क्रूज नहीं मिले हैं, वो स्क्रूज़ भी हमको इसी में से निकाल के वापस लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको पेचकस की ज़रूरत होगी और हम इसको खोलेंगे बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले इससे शुरू करते हैं, बहुत ही ईजिली खुल जाएगा दोस्तों। ये हमारा एक स्क्रू बार आ चुका है, इसको हम रख देंगे क्योंकि इसे कोई वापस यूज़ करना है। और अभी मैं साइड वाला खोलूँगा। अब दोस्तों मैंने दोनों स्क्रूज निकाल चुके हैं, इस तरफ का और ये सेंटर वाला स्क्रू। अब आप देख सकते हैं कंसोल पूरा खुल रहा है। अभी हमको लीवर का ये खोलना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इस प्रकार से। घुमाएंगे तो ये दोस्तों बाहर आ जाएगा। देख सकते हैं आप इस प्रकार से बाहर आ गया। इसकी भी चूड़ी खराब हो चुकी है वैसे तो। अब इसके बाद हमको ये कंसोल को बाहर निकाल देना ऐसे सिंपली। अब ये कंसोल हमारा बाहर आ जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा करके निकलना पड़ेगा दोस्तों। ये कंसोल बाहर आ गया। अब आप देख सकते हो ये यहाँ पर रबड़ लगा हुआ है नीचे, और ये रहा हमारा लीवर। यह है इसका पूरा भी आप ढांचा देख सकते हो। ये इसी प्रकार से हमें अभी ये चारों स्क्रूज खोलने हैं इसके, फिर बाद में हमको ये कवर चेंज करना है। तो अभी मैं चारों स्क्रूज खोलूँगा दोस्तों। वीडियो के एंड में मैं इसकी कॉस्टिंग बताऊंगा कि कितने का पड़ा। ये बहुत ही सस्ता है, अमेज़ॉन से मंगाना पड़ेगा इसको आपको। अब ये स्क्रूज आ चुके हैं हाथ में, ये चारों इनको यहाँ पर रख देते हैं, इसको निकाल दें। ये देखो कितना पुराना हो गया। अब हम इसमें डालेंगे नया वाला। में आप इसको किसी भी पोजीशन में रख सकते हो। अभी देखो बिल्कुल प्रॉपर फिट हो रहा है ये, सॉरी बिल्कुल प्रॉपर फिट हो रहा है ये। अब हम स्क्रूज जोड़ देंगे इसमें ये इस प्रकार से। देखो दोस्तों चारों छेद हमारे मिल चुके हैं। अभी हम वापस इस पर जो स्क्रूज हैं वो लगा देंगे। ये फिटिंग भी उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से ये लगेगा, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे लगाओगे तो आपको ध्यान पड़ जाएगा उसमें। आपको दोस्तों अगर सेंट्रोजिंग में किसी भी चीज़ की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस चीज़ की वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों हम टाइट कर लेंगे इसको। अब दोस्तों ये लग चुका है और उसी प्रकार से हमको वापस फिट करना है। ये हम ऐसे इसको वापस ऐसे डालेंगे दोस्तों उल्टा। अब ये जो लीवर है, लीवर का मुंह ढूंढना है हमको, और इसको ये ऐसे इस प्रकार से
आ जाएगा। ऐसे पुश करेंगे दोस्तों और ये आ जाएगा। अभी हमारा वापस फिट हो चुका है। अब देखो दोस्तों कैसा लग रहा है, बेहतरीन। थोड़ी सी क्वालिटी इतनी सही नहीं है इसकी। अब हम इसको वापस लगा देंगे। ये रहा हमारा लीवर। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हो जाएगा टाइट। बस अभी स्क्रूज लगाने बाकी है और ये होगी वीडियो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, अच्छा बुरा कुछ भी लगे। तो दोस्तों धन्यवाद और प्लीज़ लाल बटन को ठोक के ज़रूर जाना। धन्यवाद और वंदे मातरम।